दूसरी बात ये कि ये बेहद प्रासंगिक विधा है, इसकी प्रासंगिकता पर न तो पिछले 40-50 वर्षों से कोई प्रश्न लगा है और न अगले 40-50 वर्षों तक लगने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोक कथा को प्रासंगिक कह देने भर से हमारा दायित्व पूरा हो जाता है? हम लोक कथाएं दे कैसे रहेंगे? हमारे यहाँ आजकल हर चीज एक प्रोडक्ट मान ली गई है, बाजार का समय है, अखबार में भी छपता है कि प्रोड्यूस्ड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो उत्पादन की तरह से अगर लोक कथाओं का रचना संसार खड़ा होगा तो ये दिक्कत आएगी जो कांता जी ने आपके सामने रखी है। जब हम प्रासंगिक विधा पर बात कर रहे हैं तो हमें उसकी रचावट, उसकी बनावट, उसके स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। लेकिन जब उस पर हम बात करते हैं तो फिर हमें कुछ उदाहरण साथ साथ ऐसे जरूर देने पड़ेंगे कि अगर ऐसी ना हो तो फिर कैसे, और अगर ऐसी हो तो फिर वो लोक कथा क्यों ना मानी जाए जैसे हम कह रहे हैं कि ऐसी ना हो। हमारे कुछ तर्क होने चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहला गुण लोक कथा का ये मानता हूँ जो भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा था गीत के बारे में, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिखता है। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी भाषा जो उतर जाए, समझ में आ जाए। ऐसी भी सांकेतिकता किस काम की कि आपके संकेतों में ही उलझ कर रह जाए आदमी। हालांकि लोक कथा में इसके लिए गुंजाई बहुत कम है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आधुनिक लोक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ के उदाहरण देने को मुझसे कहा जाए, मैं सिर्फ लेखकों के नाम लूँगा, आप खुद लोक कथाएं आपको याद है जी। 2-4-6 नाम है, कोई बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि लोक कथा में इतना विराट विपुल रचना तक हो चुका है कि अगर कोई चाहे तो एक सांस में सिर्फ नाम लेता रहेगा और 60 मिनट गुजर जाएंगे। इतनी लोक कथाएं लिखी जा रही हैं, अच्छी भी लिखी जा रही है। लेकिन मैं